सो गाइस, ये घर जो है मैंने सेल कर दिया है, एक नया घर लिया है। खुशी की बात भी है, दुख की बात भी है कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो मैंने नया घर कहाँ पे लिया, कैसे लिया, ये घर छोड़कर क्यों जा रहा हूँ, मैं सब बताऊँगा। तो बात ये है कि सामने जो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि 4 साल से बंद थी, तो ये कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, ये कंपनी कंटेनर वगैरह, लोहे के कंटेनर जो होते हैं ट्रकों के पीछे, आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक के पीछे होते हैं ये कंटेनर, इनमें सामान जाता है, तो ये बनाती है वो। और आपको तो पता ही है लोहे की जो कंपनी होती है, लोहा बनाने वाली, वहाँ पर कितनी आवाज़ आती है उस कंपनी की। तो ये कंपनी दोबारा से चालू होगी तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा आने लग जाएगा। अब यहाँ पे कल से चालू हो जाएगी, तो मेरे को आज ही यहाँ से जाना होगा क्योंकि 4 साल से तो ये बंद थी, अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो हम जाएंगे अपनी 1970 की गाड़ी में, डैनी में। डैनी इस गाड़ी का नाम मैंने रखा हुआ है, डैनी। तो इसमें जाएंगे, थार जो है वो भाई लेकर गया हुआ है, वो बाजार जाकर आ जाएगा वहीं पे। तो जहाँ पर हमारा न्यू घर है, जहाँ पर मैंने घर लिया है भाई, वो लोकेशन मेरे को पहले पता होता ना कि यहाँ पर घर है और ये सेल में है, भाई सच में मतलब मैं वो ही घर लेता भाई। मतलब तुम देखोगे ना वहाँ पर, तुम ये बोलो काश ऐसा घर मेरा होता सच में। तो सब कुछ सामान हमने शिफ्ट कर लिया वहाँ पर, मैं अभी अभी वहीं से ही आया हूँ और बस ये गाड़ी लेने आया था मैं अपनी। वो घर जो है वो इतना खास नहीं है, लेकिन जो लोकेशन है भाई तुम देखोगे ना यार सच में, मेरा मैं सच में अब वहाँ से मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का भाई। तो अब कभी भी व्लॉग वगैरह बनेगा तो अब वहीं से ही मैं जाऊँगा। और वो घर महंगा बहुत ज़्यादा था सच में, वो घर की वैल्यू नहीं थी, वो जगह की वैल्यू थी, वो जगह जो उनसी थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही महंगी जगह थी जहाँ पर वो घर बना हुआ है। तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ मैं, मेरे को उस घर को लेने के लिए अपनी जो पुरानी फरारी थी वो सेल करनी पड़ गई, वो बेचनी पड़ गई। अब मेरे पास दो ही गाड़ी है, एक ये डैनी और एक अपनी थार, बस एक वो यही दो गाड़ी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाइक भी है मेरे पास पर वो काफ़ी टाइम से गांव में खड़ी है, तो बस पहुंच जाऊं मैं जल्दी से जल्दी क्योंकि मन कर रहा है भाई वहाँ बैठ कर चाय पीने का। सच में मुझे बिल्कुल शांत जगह पसंद है, वहाँ पर एक भी घर नहीं था इसलिए मैंने वो घर लिया था वहाँ पर। और अब दोबारा मैं जहाँ पर घर, अभी ये देखो यहाँ पर एयर से मतलब हवा से बिजली बनती है। मैं ज़रा गाड़ी साइड में लगाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आया था जब वापस, अभी आया जब मैं, मेरे को किसी ने कहा कि यहाँ पर एयर से मतलब बिजली बनने वाला एक प्लांट है, मतलब ये मैंने कभी नहीं देखा था भाई आज तक, कभी भी नहीं। ये देखो इसमें इसमें इससे बिजली बनती है शायद, है ना, मेरे को बताया था किसी ने, इससे बिजली बनती है एयर से, मतलब पानी से तो तुमने देखा होगा और आग से भी बनती है और धूप से भी बनती है, ये हवा से बनती है भाई इनकी वजह से। और ख़ास बात पता क्या है, इससे जो भी बिजली बनती है ये उसी गांव में जाती है जहां पर मैं जा रहा हूँ, वहीं पर जाती है इसकी बिजली, बाकी जितनी भी है वो पानी से बनती है, जो भी कहीं भी जाती है पानी से बनती है और आग से बनती है और मतलब उससे धूप से बस। लेकिन जिस गांव में मैंने घर लिया है, जहाँ पर मैंने घर लिया है वहाँ पर इसी से बिजली जाती है। मैं इस रास्ते से नहीं आया, मैं दूसरे रास्ते से आया था। इस रास्ते से यार मेरे को पता तो है, वैसे मैं एक बार आया था लेकिन भूल गया हूँ मैं, बस पता चल, बस पहुँच गया भाई पहुँच गया। यार ये तो नहीं था यार, ये घर तो थे नहीं वहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा ऐसा एरिया था मतलब रोड से सीधे, मतलब सड़क से सीधा ही अंदर जाने का था। नहीं, गलत आ गया गलत आ गया, वापस वापस वो दूसरी साइड है। हाँ, ये जो ऊपर से अभी रोड गया थोड़ा कच्चा सा, कच्चा तो है नहीं मतलब, लेकिन थोड़ा सही नहीं है, ये गली सी गई जोन सी, यहाँ से है, यहाँ से ये रही, यहाँ से जाना है भाई सच में। तुम घर देखोगे ना, बस यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि यहाँ पर घर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि इन घरों से अलग है मेरा घर, सबके मतलब क्लोज क्लोज है सब घर, लेकिन जो मेरा घर है वो सबसे अलग है। बाउंड्री भी हो रखी है, मतलब दीवार हो रखी है चारों तरफ। और यहीं से आया था मैं, कहाँ से आया था मैं, यहीं से तो आया था यार, कहाँ गया, वो रहा वो रहा वो रहा, ऊपर से ऊपर की तरफ है ये वो दिख रहा है टावर था तुमको, वहीं जाता हूँ यार क्या, बस वहीं चल कर दिखाता हूँ तुम्हें भाई, एकदम शांत जगह है। और ऊपर से पता क्या चीज़ अच्छी लगी मेरे को, सुबह सुबह जैसे ही उठेंगे भाई
पंछियों की आवाज़ आएंगी भाई सुबह सुबह, वहाँ पे नहीं आती थी। अबे अबे, अबे ये रास्ता ठीक करवाना पड़ेगा भाई, गाड़ी का नीचे नीचे से लग जाती है गाड़ी यहाँ पे, ये रास्ता ठीक करवाना पड़ेगा। और ये देखो भाई घर, अभी तुम्हें ढंग से दिखाता हूँ मैं, अभी ज़रा गाड़ी में यहाँ पर साइड में खड़ी कर देता हूँ। तो भाई ये देखो, ये है साइड में गांव है, और ये देखो एरिया। अब तुम्हें दिखाता हूँ घर अपना, ये देखो भाई, उस घर से तो एकदम न्यू घर है। और ये साइड में टंकी रखी हुई है पानी की, इस टंकी में ही मोटर है जिससे पानी सप्लाई होएगा। उस घर में तो मोटर थी नहीं टंकी में, वो ऊपर ही रखी हुई थी टंकी उस घर में। तो ये देखो भाई, भाई यहाँ पर सुबह सुबह कुर्सी लगा कर और चाय पीने में क्या ही मजा आएगा, सोचो जरा, इमेजिन करो। और 24 घंटे पानी की लहरों की आवाज़ भाई, शांत जगह में कभी सुनकर देखना पानी की आवाज़ कितनी खतरनाक, कितनी अच्छी लगती है। और ये रहा गांव, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है लेकिन सही है फिर भी। ये गांव वाले ऊपर तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा घर सबसे अलग है और सबसे अच्छा है। अच्छा मेरे को ये घर मिल गया। और ये जो है, ये ऊपर बैठने का है, खाना वगैरह बना सकते हो ऊपर। इसको भी खुलवाना पड़ेगा, दरवाज़ा बंद है इसका। और ये देखो, ये बाहर का वो है, क्या बोलते हैं इसको, अंदर लेटरिन बाथरूम है। और यहाँ पर जैसे पीने पीने खाने पीने वाले जैसे दोस्त वगैरह आते हैं जिनको ड्रिंक करने की आदत होती है, तो उनके लिए है वो, तो वहीं पर बैठेंगे सारे। तो ये घर देखो, सेम वैसा ही घर है लेकिन इसमें छत नहीं है, छत एक ही जगह है। क्या क्या सामान रखा हुआ है यार यहाँ पे, ये उठाना पड़ेगा सारा, साफ़ करना पड़ेगा। इसमें इसमें नहीं है सामान कुछ भी, ये सारा सामान उठाना पड़ेगा। उन जो पहले यहाँ पर रहते थे उनका सामान आइए, एक ये पड़ा है यहाँ पर देखो, अंट संट कहीं भी फेंक कर गए हुए यार। ये देखो सिर्फ यही छत है इसमें, इस घर में सिर्फ यही छत है, बाकी ऊपर ये लगा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं है। तो गाइज अब से यहीं से ही व्लॉग शुरू होगा, मतलब यहीं से मैं जाया करूँगा। और जो मेरा शिमला का व्लॉग था वो कैंसिल करना पड़ा मेरे को इस वजह से, तो कल का मेरा ट्रिप लग सकता है शिमला का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।